So, hello everyone, welcome in this live interactive session with Mr. Abhishek Saxena. और ये एक अलग ही हम लोग इंटरेक्टिव सेशन करने वाले हैं, और इस इंटरेक्टिव सेशन में हम बात करेंगे मिस्टर अभिषेक सक्सेना से, जिन्होंने सिक्योर किया है ऑल इंडिया रैंक 122 इन जीपैट 2022. सो First of all, I would like to congratulate Mr. Abhishek for securing this good rank. And मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपना एक छोटा सा दे कि आप कहाँ से हैं और आपका क्या इस सिक्योर आपका क्या मेन एम था. So introduce yourself. Thank you so much, sir. Sir, currently I'm a student of Dr. Hari Singh University, Sagar. And I'm a fourth year student. मैंने जो इस साल GPAT 22 हुआ है सर, उसमें 122 मेरी रैंक है और जो मेरे मार्क्स हैं अबाउट 221 है सर. ओके, सो अभिषेक, मैं यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा. एक बहुत ही सुंदर जर्नी रही होगी, जैसा कि आपकी मुस्कुराहट बता रही है इस जर्नी को, क्योंकि काफी टाइम हो गया है, रिजल्ट नहीं आया, एग्जाम हो गया, कब एग्जाम होगा एक बार कट ऑफ. तो ये 2022 जो रहा है, मुझे लगता है ये एक बहुत ही कठिन भरा रहा होगा आपके लिए. तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा कि जीपैट करने का कहाँ से इंस्पिरेशन मिला और कहाँ से जाने हैं? सर, जो जीपैट करने का सर मेन मोटिव था सर, वो सीनियर से मिला है सर, और जो डॉक्टर हरी सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी सागर है सर, और जो उसका डिपार्टमेंट है वो सर टॉपर्स के लिए हमेशा से फेमस रहा है सर. सर 2018 की अगर हम बात करें तो वहाँ से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड रैंक और फिफ्थ रैंक सर वहीं से आया था. उन्होंने मोटिवेशन बहुत ज्यादा दी है सर, और हर पीछे से सपोर्ट किया है कि अगर आप इस फील्ड में रहना चाहते हैं, फार्मेसी फील्ड में, तो जीपेट इज अ मस्ट. आपको उस बुक क्लियर करना ही पड़ेगा. और ऐसा नहीं है कि जीपेट अगर नहीं होता है तब आपके पास जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं. इसके बाद भी आप अगर कोई और एग्जाम है वो आप दे सकते हैं. तो दैट्स ऑल सर, जो सीनियर है सर उन्हीं ने मोटिवेट किया है सर. ओके, सो मैं सभी लोगों को यहाँ पर एक अच्छी बात बताना चाहूंगा कि मैं अभिषेक सक्सेना का सीनियर भी रह चुका हूँ फ्रॉम दी सेम डिपार्टमेंट, और ये एक बहुत गर्व भरी बात है कि मैं उसी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ. वहां से मेरी मास्टर्स हुई है, जहां पर अभी अभिषेक सक्सेना है, और वहां से अच्छा एक रैंक पाया. तो ये खुशी वाली बात है कि मैं आज उनको इंटरव्यू कर रहा हूं, और आप लोग शायद अपने आप से कोरिलेट कर रहे होंगे कि आखिरकार वो क्या फेस किए. सो मेरा एक नया क्वेश्चन अभिषेक यहाँ पर आपसे ये है कि जब आपने तैयारी किस तरह से शुरुआत की, मतलब कहीं ना कहीं सोचा, कोई तो एक इनिशिएटर होगा, कोई आपको बैक पुश कर रहा होगा कि हाँ तैयारी कीजिए, किस तरीके से और कंटिन्यूटी कैसे लेकर आए आप अपनी तैयारी में? सर जब मैं इनिशियल स्टेज पे था, जब मैंने कुछ सिलेबस के बारे में मेरे को पता नहीं था कुछ, जब एक ओवरव्यू हमें बताने वाला कोई नहीं था, तब सर एक यूट्यूब के जो होता है जिसमें पता चलता है हमें कि क्या सिलेबस है, क्या उसके बाद जीपेट क्या होता है बेसिकली, और इसमें किस तरीके से उसका पैटर्न होता है, और क्या क्वेश्चन वो पूछता है, बेसिक नीड क्या है. तो ये सर यूट्यूब ही से मेरे को पता चला है. और सर जो मेरी प्रिपरेशन है वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो मैंने सर जो एक्टिवली है वो सिक्स सेमेस्टर से शुरू की थी, और उसके बाद उसके पहले मैंने थर्ड सेमेस्टर से जो जनरल होता है अदर देन जो फार्माकोलॉजी या फार्मास्यूटिक्स होता है, उसके जो पहले जो बेसिक होता है उस पर मैंने फोकस किया है सर, और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने पे मैंने ज़्यादा जोर दिया है सर. तो जो सर एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो जीपेट का ओवरव्यू है सर वो ऑनलाइन सर थ्रू पता चला है सर. ओके, अभिषेक, मेरा एक क्वेश्चन यहाँ पर आपके आंसर से ही जुड़ता हुआ होगा. आपको काफी सेकेंड ईयर के और थर्ड ईयर के बच्चे जरूर देख रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए, बच्चे पूछते हैं कि सर क्या कॉलेज, जो कॉलेज स्टडीज होती हैं और जीपैट की जो स्टडी है, क्या वो डिफरेंट है? क्या हम बिल्कुल अलग से तैयारी करें, या जो हम सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या? आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि आपने कैसे किया और आपके जूनियर्स के लिए क्या मैसेज रहेगा. सर अगर हम जीपैट का सिलेबस देखें और हम अगर सेमेस्टर का सिलेबस देखें तो आप देखेंगे कि उसमें सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है. अगर हम कुछ सब्जेक्ट को हटा देते हैं, अगर हम बायोकेमिस्ट्री में थोड़ा डीप चले जाते हैं, क्योंकि सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री पे ज्यादा जोर नहीं देते हैं क्योंकि वो माइनर सब्जेक्ट है जीपेट अगर हम देखें. लेकिन अगर सर जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे अगर हम फार्मास्यूटिक्स की बात करें,
फार्माकोलॉजी की बात करें, फार्माकोग्नोसी की बात करें अगर, और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की बात करें, तो जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है सर वो इनिशियल स्टेज पे हमें आ जाती है। हम एनालिसिस भी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर उसमें पढ़ते हैं, और जो फार्माकोलॉजी वन, सेकंड और थर्ड ए बी, और फार्मास्यूटिक्स और जो हम बात करते हैं वो भी हम इनिशियल स्टेज पर सेमेस्टर में पढ़ने लगते हैं। तो वहाँ से, और सर जो सिलेबस में है सर उसमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है, अगर आप सिलेबस हम अगर देखते हैं तो सर वो हेल्प करता है सर, दोनों मतलब कहीं ना कोरिलेटेड है सर कहीं एक। आपका कहने का ये तरीका है कि जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं वो आपको एक लेआउट दे दे रहा है, आपको समझने में आगे हेल्प देगा, तो आप सेमेस्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, वो आपको कॉम्पिटिटिव में मदद करेगा। सर सर जो कॉन्सेप्ट है वो सेमेस्टर से बिल्डअप हो जाएगा, बट अगर आपको कंसाइज वे में करना है और अगर स्पेसिफिक पॉइंट पे आपको फोकस करना है देन फिर आप जा सकते हैं कोई स्पेसिफिक बुक पे जा सकते हैं। बेसिक अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है और एक बिल्डअप करना है, आपको एक पिलर आपको बनाना है, सपोज फाउंडेशन तैयार करना है, तो दैट विल हेल्प इन अ सेमेस्टर एग्जामिनेशन सर। ओके सो मैं यहाँ पर एक चीज बीच में ऐड करना चाहूंगा दैट अभिषेक सक्सेना, मिस्टर अभिषेक जहाँ से पढ़ रहे हैं आप लोग, सीके कोकाटे बुक पढ़ते हैं, लेकमैन पढ़ते हैं, तो एनके जैन पढ़ते हैं, और वो सौभाग्य हमें मिला है कि हम उन फैकल्टीज से मिले जो वहां पर पढ़ा चुकी हैं और पढ़ा भी रही हैं। तो अभिषेक सक्सेना उसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट रहता है वहां का। और दूसरा मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा अभिषेक, कॉन्फिडेंस। मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं नहीं समझ पाता, मुझे नहीं पता कैसे करूँ मैं, क्या मैं एवरेज, एज एन एवरेज स्टूडेंट मैं कर पाऊंगा क्या, और कितने घंटे मैं पढ़ूं अगर मैं एवरेज हूं तो सबसे पहले उस पर आप डालें। सर मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हुई हूँ सर। सर किसी को सर अभी ऐसा एक तरीके से वो होता है ना सर कि पहले से आप जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में होते हैं, सेमेस्टर में होते हैं, तब अलग कोई दिख जाता है कि ये बच्चों टॉप करेगा या इसकी रैंक आएगी। तब इसमें सर मेरे को कोई ऐसा था नहीं कि कोई बोल पाए कि अभी से सक्सेना या फिर दिस पर्सन जो रैंक लाएगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, बट जो सर मेन पॉइंट है सर वो है सर कंटिन्यूटी। सर सिलेबस आप देखेंगे, सिलेबस इतना बड़ा होगा कि आप अगर 1 महीने भी पढ़ते हैं, 10 से 12 घंटे पढ़ लेते हैं, तब भी कुछ फायदा नहीं है। आपको 6 महीने 4 घंटे 2 घंटे पढ़ेंगे दैट इज बेनिफिशियल, बट आप 1 महीने 12 घंटे पढ़ लेंगे सर तो वो फिर उससे नहीं होगा। आपको कंटिन्यूटी 2 या 3 घंटे बहुत है। ओके, आई अप्रिशिएट दैट पॉइंट, आपने जहां पर ये बात बोली कि एक कंटिन्यूटी, इन्हीं इसी बात में मैं जोड़ना चाहूंगा। देखिए कंटिन्यूटी, अगर आप सोचते हैं कि मैं एक दिन में 4 घंटे पढ़ूं और आप 10 दिन वो कर पा रहे हैं और फिर 10 दिन के बाद 30 दिन नहीं किया, तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई और वहां से आपका डाउनफॉल और डिमोटिवेशन शुरू हो गया। तो चाहे आधा घंटा पढ़िए बट डेली पढ़िए, वो मोटिवेशन आपके अंदर रहेगा। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि आपका माइंड सेटअप कैसा रहता था होल डे, आपको अपनी दिनचर्या कैसे आप शुरुआत करते थे। मैं अगर बात करूं, मलाल तो होगा, 122 रैंक है, डबल डिजिट का रैंक, सिंगल डिजिट का, क्योंकि जो टॉप 300 में आते हैं वो हमेशा टॉप अंडर 100 के और इन्हीं रैंक के लिए खेलने खेलने के लिए जाने जाते हैं, मैं ये समझता हूँ। तो आपका दिनचर्या कैसा था, हाउ हाउ यू आर गोइंग टू डील विद द मेनली मॉर्निंग टू कॉलेज लाइफ और इवनिंग, कैसे आप शुरू करते थे। सर अगर 122 रैंक की अगर हम बात करें तो सर इसका मलाल है सर, क्योंकि जो मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था वहाँ पे जो रैंक आ रही थी, नंबर आ रहे थे सर, उससे सफिशेंट तो नहीं आया सर, बट स्टिल ठीक है, बट जो किया है उसका फल मिला है सर। और सर अगर हम दिनचर्या की बात करें तो सर जब से हमने प्रिपरेशन की थी तो ऑनलाइन था बेसिकली, तो बहुत टाइम मिल जाता था, बट अभी कुछ टाइम पहले की बात है तब ऑफलाइन स्टार्ट हो गया था, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें फेस करनी पड़ रही थी क्योंकि कॉलेज जाना पड़ता था और सर क्लासेस अटेंड करनी है आपको और उसके बाद इंटर्नशिप भी पूरी करनी है, तो सर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। बट पहले से आपके पास नोट्स हो, आप पहले से ही प्रिपरेशन कर चुके हो, देन तो आपको रिवाइज करना है ओनली। रिवाइज करने के लिए हार्डली आपको बहुत कम टाइम चाहिए। अगर आप 2 3 बार कर लेते हैं, प्रिपरेशन कर लेते हैं और 2 3 बार आप उस चीज को पढ़ लेते हैं, तब हार्डली आपको बहुत कम टाइम चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए। बट आपने एक बार पहले उसको पढ़ा हो, उसका कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप किया हो बस। मैं जैसे आपने टेस्ट सीरीज की अभी बात की, मैंने अभी अभी आपका इंटरव्यू लेने से पहले मैं आपका परफॉर्मेंस एनालाइज कर रहा था फार्मेसी इंडिया पे जो टेस्ट सीरीज का था, दैट वाज गुड कि आपने कांस्टेंट स्टार्टिंग से ही उसमें एक हाइक किया है,
तो जब आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करते थे तो आपका माइंड सेटअप क्या होता था क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का? सर सबसे पहले तो ये होता था कि जिस टेस्ट सीरीज आज जिस जिस टॉपिक का टेस्ट है, सबसे पहले तो उसका हमें बेसिक पता हो। अगर आप डीप नॉलेज नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपके क्लास होते हैं उसी दिन आपका टेस्ट होता है, तो आप उस ना कंसाइज में बहुत डीप में नहीं पढ़ पाते हैं, बट आपको ओवर भी पता हो, आपने कॉन्सेप्ट जो बनाया है वो पता हो, और केवल आपने और रिविजन कर किया हो आपने एक बार, और जब आप प्रिपरेशन और जब आप टेस्ट अटेंड करते हैं तब तब आपको बिल्कुल फोकस करना चाहिए कि जो आपके पास लिमिटेड टाइम है उस पे ही आप फोकस करें, और क्वेश्चन क्या है एक्यूरेसी पे आप ध्यान दें। मैंने एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया है उतना, क्योंकि मेरी एक्यूरेसी बहुत कम है तो इस मैं मामले में। आपका ओवरव्यू देख के मैं पूछने वाला था कि एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन आपसे। हाँ सर, तो एक्यूरेसी मेरी कम है इसलिए थोड़ा सा इसमें लैकिंग प्रॉब्लम है, और बाकी सर यही है कि आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें, डीप जाने से अच्छा है, और कोई अगर बहुत ज्यादा किताबें पढ़ने से अच्छा है एक किताब आप पढ़ें और खुद के नोट्स बनाएं, उसको मल्टीपल रिवीजन करें। मैंने कोई भी ऐसा स्पेसिफिक बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ब्रॉड कोई नहीं पढ़ा है, बट जो नोट्स मैंने खुद के बनाए हैं, चाहे वो गूगल के थ्रू हो, विकिपीडिया के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू हो, या किसी अगर बुक की बात करें हम उसके थ्रू हो, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, हर एक टॉपिक के पास मेरे पास नोट्स हैं। क्योंकि सर अगर सपोज डेट अगर जीपेट में रैंक नहीं आई तब भी हमारे पास वो नोट्स होते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, CGHS, RRB, ESIC, एम्स हाँ, और इनकी ये सब तैयारी एग्जाम कर दे सकते सकते हैं हैं। आप। आई अप्रिशिएट दैट। वो मैं समझता हूँ कि ये चीज आपने बहुत सही बोली कि ये नोट्स आपको आने वाली लाइफ में भी आपको हेल्प करने वाले हैं, हमेशा आपके पास रहेंगे। दूसरा मेरे पास अभिषेक ये क्वेश्चन रहेगा कि जब हर एक एवरेज एक बच्चा जब आपको देख रहा होगा तो अब उसका एक क्वेश्चन होगा कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने से हमारा हो जाएगा क्या? क्योंकि अब वो टाइम चला गया है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया हो जाएगा, क्योंकि जो पेपर का पैटर्न है वो अब चेंज हो चुका, अब कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपका क्या माइंडसेट था और आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को छोड़िए, कॉन्सेप्ट को पकड़िए? सर कॉन्सेप्ट अगर रहेगा तो आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल रहे हैं ना सर, उससे क्वालिफाइड हो सकते हो आप, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर कुछ सब्जेक्ट जूटिक्स के पढ़ ले सकते हो, कुछ आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कंप्लीट कर लिए, कुछ कोग्नोसी के कंप्लीट कर लिए और कोलोजी के कंप्लीट कर लिए, तो क्वालिफाइड आप यही हो सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर आपको रैंक लानी है, आप आगे जाके कुछ इस फील्ड में जाना चाहते हो, बट क्योंकि पास होने से कुछ मतलब थोड़ी ना है, अगर जीपेट क्वालिफाइड आप हो गए, आगे फर्दर आपने स्टडी नहीं की तो वो उसका कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर लेकिन आपको अगर आगे फील्ड में जाना है, तब आप इस फील्ड में बने रहना है आपको, तो आपको रैंक लानी पड़ेगी, आपको डीप में वो पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो ये सब है। ओके तो मैं अभिषेक यहाँ पर एक चीज और पूछना चाहूंगा, माइंड सेटअप। माइंड से तो बहुत अच्छा इस बार एनटीए हमारे साथ खेला है और हम बहुत परेशान हुए हैं क्योंकि एग्जाम जो जनवरी में होना है वो जाकर अप्रैल में हुआ, रिजल्ट आना था फेब में आया मई में। और ये ड्यूरेशन को आप कैसे काम रहे, जैसे आपकी पर्सनैलिटी झलकती है कि आप काम रहे होंगे, और तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि 12 महीने 10 महीने का ये गैप होता है तो आप उसमें कांस्टेंट मोटिवेट कैसे रहें, अपने आप को कैसे बनाकर रखें और अपना गोल को कैसे सेट रखें? सर सबसे पहले अगर हम माइंडसेट की बात करें या किसी हमें एक पर्पस की बात करें, तो सबसे पहले पर्पस होना बहुत जरूरी है। आप क्यों करना चाहते हैं इसकी प्रिपरेशन, एक क्लियर होना चाहिए। कोई का मोटिवेशन कुछ हो सकता है, किसी का कॉलेज हो सकता है सर, किसी का किसी जगह पे पहुंचना हो सकता है, तो ये चीज है। तो हर एक का मोटिवेशन अलग अलग होता है, बट अगर आप एक दो दिन का मोटिवेशन आपके पास रहता है तब तो सर कोई वो उसमें है नहीं है, बट आपको लॉन्ग टाइम के लिए मोटिवेशन चाहिए। एक सिलेबस है सर, सिलेबस सर 1-2 महीने में कंप्लीट करने वाला है नहीं सर, उसमें सर 6 से 7 महीने 8 महीने लग जाते हैं, उसके बाद रिवीजन करना होता है सर, तो ये लंबी प्रोसेस है सर। इस प्रोसेस में सर आपका माइंडसेट, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग और आपका जो क्रिटिकल व्यू है वो क्लियर होना चाहिए सर, कि हम किस लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सर। एट द एंड किसी का स्कॉलरशिप पे मोटिवेशन हो सकता है कि आगे जाके इंडिपेंडेंट हो सकते हैं सर हम, किसी का नाइपर मोहाली हो सकता है कि एट द एंड हमें नाइपर हम देंगे, उसके बाद नाइपर मोहाली या जो टॉप इंस्टीट्यूट है ICT मुंबई की, अगर हम बात करें, डिप्सार की बात करें, ITBHU की बात करें, हम वहां जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जीपेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, जीपेट क्वालिफाई करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, दैट इज सिंपल सर।
नाइस नाइस आंसर अभिषेक, मच मोर एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। सो नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि हर एक जो बच्चा आपको देख रहा है वो बी फार्म फर्स्ट ईयर में होगा या सेकंड ईयर में होगा, तो उसके लिए एक आइडियल टाइम प्रिपरेशन का, अगर वो फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर पे किन चीजों पर ध्यान दे, सेकंड ईयर पे है तो किस चीजों पर वो ध्यान दे अभी, और कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं ड्यूरिंग देयर सेमेस्टर एग्जाम प्रिपरेशन ऑल्सो। सर, अगर कोई इनिशियल स्टेज पे फर्स्ट टाइम की अगर हम बात करें या सेकंड थर्ड की बात करें, तब तब मेन फोकस उसको करना चाहिए सर कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे, क्योंकि उसके पास इनफ टाइम है, वो बुक पढ़ सकता है, उसके नोट्स प्रिपेयर कर सकता है ड्यूरिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन अदर प्रिपरेशन। बट अगर सर कोई फिफ्थ या सिक्स में स्टार्ट करता है इनिशियल स्टेज पे, तो वहां से सर उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बट कर सकता है। तो सर अगर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे है, तो उसको केवल फाउंडेशन बनाने पे काम करना चाहिए, और जो कॉन्सेप्ट है सर उसको बिल्डअप कर लेना चाहिए, और रटने पे फोकस बाद में करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो आप रट ही सकते हैं इसमें। इसमें कुछ क्लियर कट है जो आपको रटना ही पड़ेगा, कोग्नोसी है आपको करना ही पड़ेगा। तो सर जो अगर एक अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में, उनको सर कॉन्सेप्ट पर फोकस करना चाहिए सर। ओके, सो नाउ मेरा एक क्वेश्चन ये रहेगा कि लास्ट टाइम पे जो एग्जाम से 15-20 दिन पहले का समय था, वो स्ट्रेस, वो प्रेशर, वो सेचुरेशन को आपने कैसे डील किया? सर मैं अपनी बात बताता हूँ सर, कि कुछ टाइम जब 1 महीने या 1.5 महीने बचा था, तब सबका अलग अलग हो जाता है सर। मेरा भी थोड़ा सा इसमें रुझान होता है, एक तरीके से इंटरेस्ट होता है, वो कम हो गया था, क्योंकि सर जो आपके साथ में रहते हैं सर, उनका भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर आप आपकी प्रिपरेशन में सर अगर कोई जीपेट वाला है और आपका ग्रुप वैसा है, तब आप उस लाइन में ठीक है, आप कंटिन्यूटी आप मेंटेन कर सकते हो, आप स्पीड जैसे स्पीड में जा रहे हो वो आप मेंटेन कर सकते हो। बट आपका लेकिन ग्रुप थोड़ा सा वो हो जाता है, डिफरेंट फील्ड का हो जाता है। अगर कोई स्टेट पीसीएस वाला है या पीएससी करना करता है कोई, तो आपका थोड़ा सा उसकी तरफ भी रुझान चला जाता है, तो आप जिस फील्ड में थे उस फील्ड से थोड़ा हट जाते हैं। तो थोड़ा मेरे साथ वो हुआ था, लेकिन सर फिर उसके एट द एंड जो कुछ लोग हैं सर, जिन्होंने मोटिवेट किया कि तुम 1 साल 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो और एक तरीके से इतना तुम्हारा हो गया है, तो थोड़ा टाइम और। तो ये सब था सर, कि सब लोग होते हैं डिमोटिवेट होते हैं, एग्जाम कभी कभी चेंज हो जाता है, कभी कभी डेट चेंज हो जाती है, और आपने कोई स्टेट मोटिवेट नहीं है कैसे सर। रखा, अपने आपको मोटिवेट कैसे रखा, वो जो 15 से 20 दिन पहले का वो सिनेरियो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर वो सब डिप्रेस होते हैं सर, मोटिवेट रहने का सर एक ही फॉर्मूला है सर, कि जब भी आप मोटिवेट हो फैमिली को फोन करें, और ऐसे लोगों के बीच में रहें जो आपको मोटिवेट करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी के सुनते बीच में हैं। रहें। यस सर, यस सर, पॉजिटिविटी के बीच में रहें, और सर यही सब है सर। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा अभिषेक आपसे कि हाउ फार्मेसी इंडिया हेल्प्स यू इन दिस ब्यूटीफुल जर्नी। सर फार्मेसी इंडिया की अगर हम बात करें, तो सर मैं आपके कांटेक्ट में बहुत पहले से हूँ सर, क्योंकि अभी का टाइम नहीं है सर, 2-3 साल या 3 साल पहले की बात है, 2018 बैच से है। और प्रदीप सर की अगर मैं बात करूँ जो ऑर्गेनिक के लिए पढ़ाते हैं सर, तो उनके कांटेक्ट में मैं बहुत पहले से रहा हूँ सर, उनके साथ मैंने क्रिकेट खेला है, 1-1 साल क्रिकेट खेला है सर, तो उनसे बहुत ज़्यादा लिंक थी। तो जैसे ही उन पता चला मेरे को, तो मैंने फार्मेसी इंडिया में सर जो टेस्ट है उसको ज्वाइन किया था, और कंटिन्यूअसली आपके लिंक में था। जब कभी भी कुछ सपोज रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो आपको मैसेज करना है कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा है सर, सर इतने मार्क्स हो रहे हैं सर, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे सर, आंसर किसे इतने हो रहे हैं सर। और कंटिन्यूटी में सर आप आपके साथ और प्रदीप सर के साथ हमेशा मैं सर रहा हूँ सर। और सर और जो फार्मेसी इंडिया की बात करें, तो उसका सर एक जो स्पेसिफिक पॉइंट ये रखता है अच्छा, कि टेस्ट सीरीज बहुत देते हैं, तो उसके साथ जो एक्सप्लेनेशन है विद पेज नंबर के साथ, सपोजेड आप क्वेश्चन, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ सर, कि मैं क्वेश्चन लगाता था तो बहुत सारे पहले माइनस मार्किंग हो जाती है, तो उसका जो एक्सप्लेनेशन होता है वो आप कहाँ से अपने जो नोट्स है उसमें ऐड करते हो, दैट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप अगर वो चीज आपके पास गलत हुई, आपका कोई कॉन्सेप्ट है वो आपने आपका उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आप उसमें जो पॉइंट है वो ऐड कर सकते हैं, तो ऐसे आपके नोट्स भी अच्छे होंगे आगे जाके, आपके पास एक ओवरव्यू आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम जॉइन फार्मेसी इंडिया टेस्ट सर। ओके, मैं समझता हूँ अभिषेक, ये एक बहुत ही सुंदर जर्नी रही है और अभी तो शुरुआत है, अभी नाइपर बाकी है, नाइपर में हमें अच्छे से स्कोर करना है। और अगेन मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, एंड आई वांट टू जस्ट कॉन्ग्रेचुलेट यू एंड योर फैमिली विद दिस सक्सेस, एंड आई होप यू विल अचीव मोर। सो इसी तरह से बढ़ते रहिए और मिलते हैं नाइपर के समय पर।
और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस. मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट सर.